एजुकेशन का खर्च महंगाई दर की तुलना में ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। मेडिकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एजुकेशन लोन बड़ा मददगार साबित होता है लोगों के लिए। बैंक अच्छी रैंकिंग वाले संस्थानों में पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज भी दे देते हैं, लेकिन सामान्य कॉलेज में पढ़ाई के लिए कर्ज लेने में आपको काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। तो कैसे आपको मिल सकता है लोन, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ब्याज को लेकर क्या आप निगोशिएट कर सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। नमस्ते बलवंत जी, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। बच्चों की पढ़ाई जो है एक टेंशन ही रहती है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में एजुकेशन लोन मदद तो बहुत करता है, लेकिन आपको क्या लगता है जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उन्हें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, और बच्चे के मार्क्स जो आते हैं क्या वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं एजुकेशन लोन पाने में? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो एजुकेशन लोन आपको लेना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन हो गया हो। तो मतलब आप जो पूछ रही है कि इंटेलिजेंस काम करता है कि नहीं करता है, ये जो मेरिट पे ही एडमिशन अगर होता है तो आपका इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस है तो ही आप उस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होगा। और जो बैंक है, हर एक बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया है, पर नॉर्मली जो जो इंस्टीट्यूशंस या जो कॉलेजेज है और जो यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है, या जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उनके पास में एक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन का लिस्ट है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड है, या जो जैसे फॉरेन का आपको लोन लेना है तो वो इंस्टीट्यूशन आपके बैंक की लिस्ट में है या नहीं है, अगर अप्रूव्ड लिस्ट में है तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जैसे अगर आपका बच्चा पढ़ने में एकदम पीछे है तो आप उसका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, और एडमिशन अगर ऐसी जगह हो गया जो इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं, अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसे केस में एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बलवंत जी, मैं यही पूछने वाली थी कि टॉप रैंकिंग संस्थानों में अगर एडमिशन नहीं होता है और थोड़ा जो है सेकंड और थर्ड रैंक के इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे का दाखिला होता है तो ऐसे में लोन मिलना मुश्किल हो जाता होगा, क्या कुछ उपाय आप सुझा सकते हैं इसमें? क्योंकि हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी का एडमिशन जो है वो टॉप रैंकिंग संस्थान में हो। अगर सेकेंड और थर्ड रैंक के इंस्टीट्यूट में हुआ है और पैसों की ज़रूरत है तो किसी तरह से मदद मिल सकती है या फिर आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो लेंडर है उनकी जो इंटरेस्ट है कि वो जो लोन दे रहे हैं उसका सर्विसिंग होना चाहिए। तो सर्विसिंग के लिए अगर एजुकेशन लोन का सर्विसिंग देखना है तो एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो जो बच्चा आपका जहाँ जो कोर्स ज्वाइन कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर रहा है, वहाँ पे वहाँ से निकलने के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। अगर नौकरी मिलने का थोड़ा डाउटफुल है तो ऐसे केस में अगर आप थर्ड पार्टी गारंटर दे देते हैं, सिक्योरिटी, टेंजिबल सिक्योरिटी वगैरह दे देते हैं तो बैंक सिक्योर हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर सेकंड थर्ड रंग में भी अगर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुआ है तो आपको लोन मिल सकता है, बशर्ते जैसे मैंने बताया आपको कि आप थर्ड पार्टी जो गारंटर है जो अच्छा टैक्स पे कर रहा है, या आप कोई टेंजिबल असेट जैसे आपकी बिल्डिंग है या आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर आप प्लेस कर सकते हैं, उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तो बैंक कंफर्टेबल हो जाएगा आपको एजुकेशन लोन देने में। राइट, और आपने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट समझा, एम्प्लॉयबिलिटी देखते हैं कि जो कोर्स बच्चा ले रहा है या बिटिया ले रही है उससे नौकरी मिलने के कितने चांसेस हैं, तो उनके लोन वापस करने के चांसेस ज़्यादा असेस होंगे। आपने बात की गारंटी देने की कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं तो बैंक और थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। एजुकेशन को ज़्यादातर कहा जाता है कि ये कोलैटरल फ्री लोन होता है, लेकिन अगर आपकी लोन की राशि ज़्यादा हो तो कोलैटरल या गारंटर मांगा जाता है। कितनी राशि के ऊपर आपको कोलैटरल देना पड़ेगा, और ये कोलैटरल टर्म को भी ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिए बलवंत सर। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि 4 लाख रुपए के लोन तक तो आपको कोई गारंटी या कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। 4 लाख से 7.5 लाख तक का अगर लोन ले रहे हैं तो आपको पेरेंट्स छोड़ के थर्ड पार्टी की किसी की गारंटी लेनी पड़ेगी। और अगर आप एजुकेशन लोन 7.5 लाख से ऊपर का ले रहे हैं तो आपको
मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आपको को बोरोर ज्वाइन करते हैं तो वो भी अंडरटेकिंग देते हैं कि हम लोन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, परंतु इसके अलावा भी आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जो जिस जो सिक्योरिटी है उसको ही कोलेटरल बोलते हैं। मतलब जैसे आपके पास जो भी देने के लिए, आपके पास जमीन है, आपके पास घर है, आपके पास कोई शेयर्स वगैरह इन्वेस्ट किए हुए हैं, एनएससी वगैरह, अच्छी सरेंडर वैल्यू वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, जो भी एक्सेप्टेबल बैंक है बैंक को एज ए सिक्योरिटी, उसको कोलेटरल बोलते हैं। ओके, तो एक सिक्योरिटी देनी होगी और पेरेंट्स के अलावा एक थर्ड पार्टी गारंटी भी देनी होगी। और बलवंत सर, इसमें सिबिल स्कोर, पेरेंट्स का सिबिल स्कोर कितना मायने रखता है, वो चेक किया जाएगा? और अगर लोन किसी भी वजह से वापस नहीं किया जाता, तब भी पेरेंट्स के सिबिल स्कोर पर इसका बुरा असर पड़ता है? देखिए ऐसा है प्रियंका कि 4 लाख रुपए के लोन तक का तो जैसे इंडियन बैंकर एसोसिएशन का गाइडलाइंस है कि आप पेरेंट्स की इनकम को ही कंसीडर नहीं करें, मतलब अगर पेरेंट्स की इनकम नहीं है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, परंतु तो जहाँ तक 4 लाख से ऊपर का लोन है तो आपके अगर जैसे पेरेंट्स का सिविल स्कोर अच्छा है तो मतलब बैंक को थोड़ी अश्योरेंस मिल जाती है कि आपका लोन डिफॉल्ट नहीं होने वाला, डिफॉल्ट नहीं होगा तो बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और आपको हो सकता है अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाए। जहाँ तक प्रश्न है लोन अगर आप रीपे नहीं कर पाते हैं, तो जैसे जब लोन लेते हैं तो आपके जो पेरेंट या जो गार्जियन है वो को बोरोर है और वो उनकी लाइबिलिटी प्राइमरी डेटर की है, मतलब पहली जवाबदारी लोन देने की उनकी है, तो अगर वो लोन नहीं पेमेंट कर पाते हैं, डिफॉल्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स का जो सिबिल स्कोर है उस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट होगा और उनका सिबिल का स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छा बलवंत सर, क्यों निजी बैंक और सरकारी बैंकों के एजुकेशन लोन के ब्याज दरों में हम इतना अंतर देखते हैं? बहुत ही स्टीप डिफरेंस है। मतलब निजी बैंक आपसे मतलब 5, 6, 7, 8% ज़्यादा जो है ब्याज वसूल रहे हैं, और सस्ते लोन आपको सरकारी बैंक में थोड़े से मिल जाएंगे। इसका क्या उपाय हो सकता है? एक फ्लैट रेट नहीं हो सकता? एजुकेशन लोन एक ज़रूरी लोन है, जिसको जिसके पास वो फंड्स नहीं होंगे वही जाएंगे बैंक के पास ये लोन लेने के लिए, तो ये इतना अंतर क्यों होता है? ये देखिए ऐसा है प्रियंका कि सरकारी बैंक सरकार की है तो उन पे थोड़ा प्रेशर रहता है सरकार की नीतियों को लागू करने का, सरकार की मंशा रहती है कि भाई एजुकेशन को बढ़ावा मिले, तो वो अपने अपने जो बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे के रखें रखे भाई आप अफोर्डेबल रेट पे एजुकेशन लोन दीजिए, और जो प्राइवेट बैंक है वो उनका तो एम ही होता है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, तो वो ज़्यादा रेट लेंगे ही। अब ऐसा है जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आपका ये जो रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता क्या, मेरे हिसाब से बैंक जो आरबीआई ने ये जो लैंडिंग है ना वो डीरेगुलराइज कर दी है, डीरेगुलेट कर दी है, तो अभी लैंडर से वो जो चाहे वो रेट चार्ज कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको किसके पास जाना है। तो अगर आप जैसे आप थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करें तो हो सकता है आपको जो सरकारी बैंक है वहाँ से एजुकेशन लोन मिल जाएगा, और थोड़ा कारण है कि जो प्राइवेट बैंक है वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट का भी लोन देने के लिए तैयार होगा, जैसे अब्रॉड स्टडी वगैरह करनी हो तो, बाकी जैसे जो सरकारी बैंक है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती कि ज़्यादा अमाउंट का लोन एक्सटेंड कर सके। वैसे SBI है, अगर आपको फॉरेन में कोई पढ़ाई करनी हो तो 1.5 करोड़ रुपए तक का भी लोन देती है, पर ये थेरेटिकल है, जो इतना लंबा बड़ा लोन मिलना जितना थ्योरी में सरल दिखता है उतना सरल नहीं है, मतलब आप जब अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल पड़ता है। बलवंत सर, मैं यही अगला सवाल पूछना चाहती थी कि अगर देश में पढ़ाई और कोई विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या नियम जो हैं और शर्तें जो हैं वो अलग हो जाती हैं? अंतर होता है क्या दोनों में? कोलैटरल को लेकर आपने जैसे समझाया, सिक्योरिटी जो देनी होती है या थर्ड पार्टी गारंटी जो देनी होती है, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या अलग होते हैं अगर विदेश जा करके बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है तो? मेरे हिसाब से वैसे ब्रॉडली कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बस जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आपको लोन मिल सकता है वो जैसे इंडिया में है तो वो तो जो एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार की जा सकती है, परंतु जो फॉरेन की पढ़ाई में है वो कुछ
कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज में कुछ स्पेसिफाइड कोर्स करने के लिए आपको लोन मिलेगा। अगर वो उस लिस्ट में नहीं है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे, जिससे बैंक कन्विंस हो जाए कि भाई वो जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और जो जो लोन ले रहा है स्टूडेंट उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी उससे। और क्या लोन की राशि जो है ये भी निगोशिएबल होती है क्या, कि अगर मान लीजिए मैं जाके कहूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए 8 लाख का लोन चाहिए, क्या बैंक कह सकता है कि नहीं मैं 8 लाख नहीं, आपको जो है आपकी जो पूरी एलिजिबिलिटी बन रही है उस हिसाब से मैं आपको केवल 5 लाख का ही लोन दे सकता हूँ? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो एजुकेशन लोन है वो आपकी जो पेरेंट्स की इनकम से इंडिपेंडेंट है। आपकी एजुकेशन के लिए जितनी जरूरत है उतना ही आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपकी जो जहाँ जो इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे कितनी ट्यूशन फी वगैरह लग रही है या दूसरी फी वगैरह लग रही है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं तो वहाँ जो रहने का खर्चा है वो कितना होगा, आपको कंप्यूटर वगैरह खरीदने की जरूरत है, व्हीकल वगैरह खरीदने की जरूरत है, तो आपको अपनी जो नीड है वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि मुझे इतना लोन चाहिए, मुझे इतना खर्चा कर मेरा एजुकेशन में होगा, और उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। और जैसे 4 लाख रुपए तक का लोन है तो उसमें कोई भी मार्जिन मनी नहीं है, मतलब 4 लाख रुपए तक का खर्चा है आपको तो पूरा का पूरा 4 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। 4 लाख से ऊपर अगर है 7.5 लाख तक तो इंडिया में पढ़ाई के लिए 5% का ओन कंट्रीब्यूशन होगा और बाकी के लिए 15% का कंट्रीब्यूशन है, और 7.5 लाख से ऊपर का जो लोन है उस पर 15% आपको अपनी अपने में से निकालना पड़ेगा, मतलब पेरेंट्स को शेल आउट करना पड़ेगा, पर 85% तक का ही लोन मिलेगा। चलिए अब कुछ सवाल लेकर आते हैं बलवंत जी, जो हमारे दर्शकों ने भेजा है। रमेश भारद्वाज का पहला सवाल लेते हैं। मुझे बेटे की बीटेक की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है, ये लोन मुझे कितने दिनों में लौटाना पड़ेगा और क्या क्या ऑप्शन है जिनको मुझे देखना चाहिए? रमेश जी के को क्या सलाह देंगे बलवंत जी? देखिए प्रियंका, रमेश जी के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप लोन जो जो ले रहे हैं वो लंबी से लंबी अवधि का लें, जिससे क्या है आपकी ईएमआई थोड़ी कम आ जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट क्वालिफाई होगा तो शुरू में उसकी जो कमाई है उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जो लोन का रीपेमेंट है वो जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने बाद में या नौकरी लगने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। नॉर्मली एजुकेशन लोन का जो टेन्योर है वो 5 से 7 साल का है, परंतु कई बैंक के वो 15 साल का भी जो लोन है वो देती है। तो बलवंत सर एक क्लैरिटी मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगी कि एजुकेशन लोन में तुरंत आपकी ईएमआई नहीं शुरू होगी पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे को नौकरी मिल जाएगी उसके बाद आपको, मतलब कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसके बाद आप ईएमआई लौटाना शुरू कर सकते हैं, राइट? वही वही मैंने बताया कि जो मॉरेटोरियम है वो आपकी पढ़ाई शुरू होने के बाद में 6 महीने तक, या अगर उसके पहले अगर नौकरी लग गई तो तब तक ही आपका मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम मतलब वो पीरियड जिस दौरान आपको भुगतान नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी, और आपको अगर आप जो लोन का डिसबर्समेंट हो रहा है उस दौरान ही अगर लोन की करते हैं तो आपको 0.5% 1% का ब्याज का फायदा होगा। अगर गर्ल स्टूडेंट है तो उनको भी 1% तक का इंटरेस्ट में फायदा होता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और आपके एजुकेशन लोन की राशि 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन लोन सब्सिडी के तहत मॉरेटोरियम के दौरान जितना इंटरेस्ट भरने की आपकी लाइबिलिटी है उसकी पूरी की पूरी सब्सिडी आपको मिल जाती है और वो आपको रिएम्बर्समेंट आपके खाते में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं रत्नेश पांडे का। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है, क्या ये लोन मेरे नाम पर मिल सकता है? इस लोन को चुकाने पर मुझे इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है? तो रत्नेश देखिए इनकम टैक्स की छूट के बारे में जानना चाहते हैं और ये लोन किसके नाम पर होगा? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो स्टूडेंट अगर 18 साल से ऊपर का है तो उसका और उसके पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स तो इनवेरिएबली को बोरोर है ही, तो जैसे बच्चा है बच्चे के नाम से लोन है,
परंतु अगर वो मेजर है या माइनर है, दोनों सिचुएशन में पेरेंट्स को एज अ को एप्लीकेंट ज्वाइन करना होगा। जहाँ तक प्रश्न इनकम टैक्स बेनिफिट का है, इसमें सिर्फ जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उस पर ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब जैसे होम लोन पे आपको जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन आपको ATC में मिलता है, वैसा ही डिडक्शन सेक्शन ATE में नहीं मिलता है। वहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और इंटरेस्ट का लिमिट भी नहीं है। जैसे रीपेमेंट का 1.5 लाख रुपये तक का लिमिट है, इंटरेस्ट का पेमेंट आप भले करंट ईयर का कर रहे हैं या पुराना कर रहे हैं, जितना पेमेंट इंटरेस्ट का पर्टिकुलर ईयर में कर रहे हैं उतना पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। कौन इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? चूंकि स्टूडेंट और पेरेंट दोनों बोरोअर है तो दोनों में से कोई भी पेमेंट इंटरेस्ट का कर सकता है, और जो व्यक्ति इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा उसको सेक्शन 80E में बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से शुरू के सालों में जब स्टूडेंट जब नौकरी ज्वाइन कर सकता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी हो ही नहीं, तो ऐसे केस में पेरेंट्स का हो सकता है वो 30% की स्लैब में हो, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि जहाँ पे टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा होता है वहाँ से इंटरेस्ट का पेमेंट करिए, जिससे आपकी ओवरऑल टैक्स आउटगो है वो कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच बलवंत सर, आज आपने वक्त निकाला और हमें समझाया कि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं आपको टैक्स में, ये भी समझाया। शुक्रिया आपका।